सफ़ेद बालों को काला करने का नेचुरल तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो अभी आप देख रहे हो तो इसको बोलते हैं आकाश वेल। और ये जो आकाश वेल होती है ये आपके बालों को नेचुरली काला करती है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है। अगर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कुछ इस तरह की ये दिखाई देती है, लगभग हर जगह ही ये आपको मिल जाती है इजीली। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ पे लगभग हर जगह आपको ये मिल जाती है। तो इस तरह की दिखती है, येलो जैसे कलर की होती है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी कि आपके बालों को, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो झड़ना बंद कर देती है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो कि आपके बालों को नेचुरली काला भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि आंवला से भी हमारे बाल जो है नेचुरली काले होते हैं और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ही सेम ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक जड़ी बूटी की तरह काम करती है। अगर आपके आसपास कहीं भी हो तो आप इस तरह से इसको निकाल लीजिए। और अब रेमेडी बनाने के लिए हमें इसका रस चाहिए होता है, तो आप इसे इस तरह से कूट सकते हैं, तब भी आपका रस जो है इजीली निकल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इसे मिक्सर जार में भी अच्छे से पीस करके उस तरह से भी रस निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से अभी कूट लिया है और बहुत ही ईजिली इसका रस जो है निकल जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब क्या करना है, इसको हम अच्छे से निचोड़ करके, इसका रस ही हमें चाहिए और बाकी आप फिर निकाल सकते हो साइड में। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे अच्छी तरह से स्कैल्प में घिस सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से आप इस तरह से एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर कॉटन बैग। ये देखिए अभी आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल गहरा काला कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अब आपके सामने मैंने इसे थोड़ा सा क्रश किया है और अभी देखिए बहुत गहरा काला कलर आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसी से आपके बाल जो है नेचुरली काले होते हैं, साथ ही साथ ग्रो होते हैं। काला करने के साथ साथ आपके बाल जो है ना बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये रस मैंने निकाल लिया है, ये देखिए एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ। बहुत गहरा काला कलर, जैसे कि एक डाई का होता है, सेम उसी तरह का इसका कलर है। और अब ये देखिए, ये मैंने ले रखा है कलौंजी ऑयल। कलौंजी ब्लैक सीड्स के नाम से हम जानते हैं। आप चाहें तो इसमें अनियन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनियन जूस से ना बालों में एक थोड़ा स्मेल जैसी रह जाती है, जो कि दो चार बार आप अगर वॉश करते हो अपने बालों को तब भी नहीं जाती। तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप कलौंजी का ये ऑयल यूज़ कीजिए। इसको मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है, खाली कलौंजी को ऑयल में पकाया है और फिर कलौंजी इसी वाले जार में रहने दी है ताकि इसका असर जो है इसमें आता रहे। तो अभी जितना कर आपको चाहिए बालों में ऑयल लगाने के लिए उतना सा ले रहे हैं। पूरी लेंथ में भी आप लगा सकते हो, और अगर आपको खाली स्कैल्प पे ही लगाना है तो उसी हिसाब से आप लीजिए। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, दोनों चीज़ों को कर लिया अच्छी तरह से मिक्स और बस। और अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। बस ये जो आपका ये आप पैक बोल लीजिए या फिर ऑयल ही बोल लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ हमने इसमें ऐड नहीं किया, खाली आकाश बेल का ये रस है और कलौंजी ऑयल है। अगर आपके पास ये ऑयल ना भी हो तो आप कोई भी रेगुलर ऑयल जो आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब क्या करना है, आपको अपनी स्कैल्प पे से अच्छी तरह से कर लेना है मसाज। ये देखिए अभी आप जब मैं मसाज कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक जैसा कलर ये आपको दे रहा है। बस अच्छी तरह से अपनी बालों की स्कैल्प पे आपको इसे मसाज कर लेना है। अगर लेंथ में भी आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, अगर ओवरनाइट रखते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हो तो लगभग 1 से 2 घंटा आप अपने बालों में रखिए और फिर अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो। नेचुरली बालों को काला करने का ये बहुत ही सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके अलावा आंवला का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आंवला से भी आप अपने बालों को नेचुरली काला, घना, लंबा कर सकते हो। सेम इससे भी आपको वही इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप ट्राई कर सकते हो, सराउंडिंग में आपके आपको मिल जाएगी। ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह की है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।